नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल क्रिकेट एंगल पे। मैं हूं आपका दोस्त शुभम मिश्रा। तो टाटा आईपीएल 2024 की शुरुआत 22 मार्च से होने जा रही है और ऐसे में सभी आईपीएल टीम्स आईपीएल 2024 की तैयारियों में जोरों शोरों से जुटी हुई हैं। लेकिन आईपीएल फैंस जिस बात को लेकर सबसे ज़्यादा एक्साइटेड हैं वो ये है कि उनकी फेवरेट टीम आईपीएल 2024 में कैसी जर्सी के साथ मैदान पर उतरेगी, कौन सी डिज़ाइन और पैटर्न आपको इन जर्सीज में देखने को मिलेंगे। तो हर साल की तरह आईपीएल 2024 के लिए भी सभी टीमों ने अपनी नई जर्सी लॉन्च कर दी है। जहां कुछ टीमों की जर्सी पिछले साल से मिलती जुलती है तो वहीं कुछ टीमों की जर्सी में आपको काफ़ी ज़्यादा बदलाव भी देखने को मिले हैं। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको आईपीएल 2024 के लिए सभी टीमों की नई जर्सी दिखाने वाला हूं, जिससे कि आप ये जान पाएंगे कि आपकी फेवरेट आईपीएल टीम की जर्सी कैसी नज़र आ रही है और सभी टीमों की जर्सी में क्या क्या बदलाव हुए हैं। तो ओवरऑल ये वीडियो होने वाली है काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव, इसे लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल ऑन कर लें, ताकि आपको क्रिकेट और आईपीएल से जुड़ी ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस और अपडेट्स लगातार मिलती रहें। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप सभी को बता दूं कि अगर आप इंटरनेशनल क्रिकेट और आईपीएल 2024 से जुड़ी हर छोटी बड़ी न्यूज़ एंड अपडेट्स, इसके अलावा सभी मैचेस की एक्यूरेट प्रेडिक्शन पाना चाहते हो तो आप हमें टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, इसके अलावा कमेंट बॉक्स में सबसे ऊपर पिंड मिल जाएगा, लिंक पर क्लिक करके आप हमें टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन कर सकते हैं। और अब दोस्तों बात कर लेते हैं आईपीएल 2024 के लिए सभी टीमों की नई जर्सी के बारे में। तो शुरुआत करते हैं डिफेंडिंग चैंपियंस चेन्नई सुपर किंग्स की टीम के साथ। चेन्नई सुपर किंग्स की टीम ने आईपीएल 2024 के लिए सबसे पहले अपनी जर्सी लॉन्च करी थी, जहां चेन्नई सुपर किंग्स की जर्सी बिल्कुल पिछले साल की तरह सेम है। इनफैक्ट आईपीएल में चेन्नई सुपर किंग्स की टीम अपनी जर्सी में ज़्यादा बदलाव नहीं करती है, हर साल आपको पीले रंग की ही जर्सी नज़र आती है ब्लू स्ट्राइप्स के साथ। वैसे इनके स्पॉन्सर्स में बदलाव होता रहता है, लेकिन पिछले साल की तरह इस साल भी सीएसके का जो प्रिंसिपल स्पॉन्सर है वो टीवीएस यूरोग्रिप टायर्स ही रहेगा, लेकिन जर्सी के बैक स्पॉन्सर में बदलाव देखने को मिला है। पिछले साल तक वहां पे आपको अंबुजा सीमेंट्स देखने को मिलता था, लेकिन इस साल वहां पे आपको एतिहाद एयरवेज लिखा हुआ नजर आएगा। तो आपको चेन्नई सुपर किंग्स की ये नई जर्सी आईपीएल 2024 के लिए कैसी नजर आ रही है, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें और आप इस जर्सी को 10 में से कितना रेटिंग्स दोगे। इसके अलावा दूसरे नंबर पर जिस टीम ने अपना जर्सी लॉन्च किया है वो है राजस्थान रॉयल्स की टीम। राजस्थान रॉयल्स की जर्सी पिछले साल की जैसी ही नज़र आ रही है, जहां पर आपको स्लीव में रॉयल ब्लू कलर देखने को मिलेगा। इसके अलावा पिंक कलर का पैटर्न भी जर्सी पे देखने को मिल रहा है। हालांकि टेक्सचर्स में थोड़े बहुत बदलाव किए गए हैं, पर ओवरऑल जर्सी में आपको ज़्यादा चेंजेस देखने को नहीं मिलेंगे। इसके अलावा राजस्थान रॉयल्स का जो प्रिंसिपल स्पॉन्सर है वो पिछले साल की तरह इस साल भी ल्यूमिनस रहेगा। तो आईपीएल 2024 के लिए राजस्थान रॉयल्स की जो जर्सी है वो थोड़ी ज़्यादा ट्रेडिशनल नज़र आ रही है। जबकि मैं आपको बता दूं कि राजस्थान रॉयल्स की टीम ने आईपीएल 2024 के लिए एक और स्पेशल जर्सी भी लॉन्च करी है और उस स्पेशल जर्सी का नाम है ऑल पिंक जर्सी, जो कि पूरी तरीके से पिंक है। आप उस स्पेशल जर्सी को अपनी स्क्रीन पर क्लियरली देख सकते हो और ये स्पेशल जर्सी राजस्थान रॉयल्स की टीम 6 अप्रैल को रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर के खिलाफ होने वाले मैच में पहनकर उतरेगी। ये स्पेशल जर्सी इंडिया और राजस्थान की सभी वुमेन को डेडिकेटेड है। तो दोस्तों, आईपीएल 2024 के लिए आपको राजस्थान रॉयल्स की ये दोनों जर्सी कैसी नजर आ रही है और आप इन दोनों जर्सी को 10 में से कितना रेटिंग्स दोगे, कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। तो वहीं तीसरी टीम जिसने आईपीएल 2024 के लिए अपनी जर्सी को रिवील कर दिया है वो है सनराइजर्स हैदराबाद की टीम। सनराइजर्स हैदराबाद की जर्सी में इस बार काफ़ी ज़्यादा बदलाव देखने को मिले हैं। पिछले साल सनराइजर्स हैदराबाद की जर्सी काफ़ी ज़्यादा प्लेन थी, ज़्यादा टेक्सचर्स देखने को नहीं मिलते थे, लेकिन इस साल सनराइजर्स हैदराबाद की जर्सी टेक्सचर से भरी हुई है। इस साल जर्सी में ऑरेंज कलर का इस्तेमाल किया गया है, इसके अलावा ब्लैक कलर के स्ट्राइप्स भी देखने को मिल रहे हैं। और सनराइजर्स हैदराबाद की ये जर्सी SA20 लीग में सनराइजर्स ईस्टर्न केप के द्वारा इस्तेमाल की गई जर्सी के जैसी है। और कमाल की बात यह है कि सनराइजर्स ईस्टर्न केप की टीम ने लगातार 2 बार खिताब जीता है, तो जो जर्सी लक है वो सनराइजर्स हैदराबाद की टीम आईपीएल 2024 में भी ट्राई करना चाहती है। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि सनराइजर्स हैदराबाद के प्रिंसिपल स्पॉन्सर में बड़ा बदलाव देखने को मिला है।
जहां आईपीएल 2024 में सनराइजर्स हैदराबाद का प्रिंसिपल स्पॉन्सर ड्रीम इलेवन रहेगा। तो दोस्तों आपको एसआरएच की ये जर्सी आईपीएल 2024 के लिए कैसी नजर आ रही है और आप इसे 10 में से कितना रेटिंग्स दोगे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। इसके अलावा चौथी टीम जिसने आईपीएल 2024 के लिए अपनी जर्सी को रिवील कर दिया है वो है मुंबई इंडियंस की टीम। मुंबई इंडियंस की जर्सी में इस साल काफ़ी ज़्यादा बदलाव देखने को मिले हैं। पिछले साल तक मुंबई इंडियंस की जर्सी को काफ़ी ट्रेडिशनली डिज़ाइन किया जाता था, लेकिन इस साल मुंबई इंडियंस की जर्सी को मॉडर्न तरीके से डिज़ाइन किया गया है। मुंबई इंडियंस की जर्सी में आपको रॉयल ब्लू कलर देखने को मिल रहा है, जबकि गोल्डन कलर के पैटर्न्स भी आपको इस जर्सी पर देखने को मिले हैं। इसके अलावा अगर आप इस जर्सी को जूम करके देखोगे तो वहां पे आपको एम भी लिखा हुआ नजर आएगा, जो कि मुंबई इंडियंस का लोगो है। वहीं अगर हम स्पॉन्सर्स की बात कर लें तो स्पॉन्सर्स में कोई भी बदलाव नहीं हुआ है। पिछले साल की तरह इस साल भी मुंबई इंडियंस का जो प्रिंसिपल स्पॉन्सर है वो स्लाइस ही रहेगा। तो दोस्तों आपको आईपीएल 2024 के लिए मुंबई इंडियंस की ये नई जर्सी कैसी नजर आ रही है और आप इसे 10 में से कितना रेटिंग्स दोगे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। इसके बाद पांचवी टीम जिसने आईपीएल 2024 के लिए अपनी जर्सी को लॉन्च किया है वो है गुजरात टाइटंस की टीम। गुजरात टाइटंस की जर्सी पिछले साल की जर्सी के जैसी ही है, जहां पर एक बार फिर से डार्क ब्लू कलर की जर्सी देखने को मिली है, जबकि सेम पैटर्न और डिजाइन के साथ इस जर्सी को लॉन्च किया गया है। तो ओवरऑल गुजरात टाइटंस की जर्सी में ज्यादा बदलाव देखने को नहीं मिले हैं। हालांकि एक बदलाव इस जर्सी में हुआ है और वो बदलाव है प्रिंसिपल स्पॉन्सर को लेकर। जहां पिछले साल तक गुजरात टाइटंस का प्रिंसिपल स्पॉन्सर एथर एनर्जीज था, लेकिन इस साल गुजरात टाइटंस का प्रिंसिपल स्पॉन्सर बदलकर ड्रीम इलेवन हो चुका है। तो दोस्तों आईपीएल 2024 के लिए गुजरात टाइटंस की ये जर्सी आपको कैसी लगी और 10 में से आप इसे कितना रेटिंग्स देंगे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। तो दोस्तों अभी तक इन 5 टीमों ने ही आईपीएल 2024 के लिए अपनी नई जर्सी को ऑफिशियल तौर पर यानी कि आधिकारिक तौर पर रिवील किया है। बाकी की 5 टीमें यानी कि रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर, कोलकाता नाइट राइडर्स, दिल्ली कैपिटल्स, पंजाब किंग्स और लखनऊ सुपर जायंट्स जैसी ही अपनी नई जर्सी आईपीएल 2024 के लिए ऑफिशियल तौर पर यानी कि आधिकारिक तौर पर रिवील करेंगी। आपको सबसे पहले अपडेट इसी चैनल पर वीडियो के माध्यम से मिल जाएगी। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि आरसीबी की टीम अपनी नई जर्सी अनबॉक्स इवेंट में 19 मार्च को ऑफिशियल तौर पर यानी कि आधिकारिक तौर पर लॉन्च करेगी। सो फ्रेंड्स, वीडियो में फिलहाल इतना ही। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो उसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। वहीं पर दोस्तों आप हमें नीचे कमेंट बॉक्स में ये ज़रूर बताएं कि आपको इनमें से किस टीम की जर्सी सबसे बेहतरीन लगी। इसके अलावा क्रिकेट मैचेस की फैंटेसी प्लेइंग 11 और क्रिकेट से जुड़ी हर छोटी बड़ी न्यूज़ एंड अपडेट सबसे पहले पाने के लिए आप हमें टेलीग्राम चैनल पर ज़रूर ज्वाइन कर लें। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सो फ्रेंड्स, मिलते हैं आपसे किसी नई और इंटरेस्टिंग वीडियो में। टिल देन टेक केयर, स्टे सेफ एंड गुड बाय।